गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो कितने बजे होती है, 8 बजे होती है। तो क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये हमारी थ्योरी की क्लास है। जब हमारा एक चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाते हैं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, थ्योरी आपकी क्लियर होनी जरूरी है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले थ्योरी को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। चैप्टर का नाम डाल लेंगे अपनी नोटबुक में। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता देती हूँ। जैसे आप किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगाते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब आपके फैक्ट्री में कुछ सामान बनता है तो वो क्या होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट से फिर वो छोटी दुकानों पर जाएगा, छोटी दुकानों से फिर जो और भी छोटी दुकानें होती है वहाँ पर जाएगा, और वहाँ से वो घरों में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सामान का परिवहन हो रहा है। क्या हो रहा है, सामान का परिवहन हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, घूम रहा है सामान। सामान जो बना है वो हमारा घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो ब्लड है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे हमारे शरीर के अंगों में जाता है, किस तरह से कार्य करता है और किस सिस्टम में वो कार्य कर रहा है, उस सिस्टम को जहाँ पर वो जिस तंत्र में जिस सिस्टम में कार्य कर रहा है उस पूरे तंत्र को तो क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और ब्लड कैसे काम करता है ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, एक एक्यूरेट सी जो डेफिनेशन होती है उसे देख लेंगे कि क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त क्या करता है हमारे शरीर में, रक्त के कार्य क्या होते हैं, रक्त कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। रक्त के कार्य क्या है, ठीक है, रक्त ठोस होता है कि लिक्विड होता है, कैसा होता है, ये हमें सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी, क्या क्या, आहार यानी भोजन, ऑक्सीजन यानी O2 और पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। किसके द्वारा, रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह परिवहन तंत्र है या सिस्टम है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक यानी सेल्स तक पहुँचते हैं। कोशिकाएं क्या होती है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पर सेल वाले चैप्टर को देखेंगे, 4 से 5 क्लास बनी हुई है सेल की, वहाँ से एक एक करके नोट डाउन करेंगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कोशिकाएं होती क्या है। ठीक है, और वहाँ के व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें बाहर ले जाया जाता है और ऑक्सीजन, आहार और पानी को अंदर ले जाया जाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। इसमें किस किस चीज़ का समावेश होता है, यानी कौन कौन से ऑर्गन है जो इसे हमारे शरीर में सर्कुलेट करने में मदद करते हैं, तो इसमें रक्त यानी ब्लड, हृदय यानी हार्ट और रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल का समावेश होता है। किस किस का समावेश होता है इन सभी कार्यों को करने में, ब्लड का, हार्ट का और ब्लड सेल्स का। ठीक है, किसका, ब्लड सेल्स का, रक्त कोशिकाओं का। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे, आगे चलेंगे। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए क्लास बनाई गई है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ब्लड किस तरह से घूम रहा है, ये जो है ये नसें जो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लड ये किस तरह से हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है इसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी एक बार ब्लड के बारे में अच्छे से देख लीजिए, नोट करके लिख लेंगे कि जो
सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी खोज किसने की थी, किसने पता किया था कि ये होता क्या है। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, नोट डाउन कर लेंगे, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, एक एक को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो होता है वो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे इन्हें, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तीनों के नाम अच्छे से लिख लेंगे, अब एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसे जीवों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फटाफट से ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके नोट डाउन करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सिलेबस से है और आपके सिलेबस में है, जो और आप जो एग्ज़ाम भी देते हैं वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी क्लियर करनी है, बेस क्लियर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे जीवों के अंदर पाया जाता है। तो कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से बह रहा है, यानी ब्लड किससे बह रहा है, तेजी के साथ, प्रेशर से, दबाव से बह रहा है, ऐसे जीव। कुछ और कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं बहता, कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से बहता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं बहता। अब जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से बहता है उस प्रेशर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नलियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप घर की धुलाई करते हो, गार्डन में पानी लगाते हो, तो अगर आप बाल्टी से ऐसे ही पानी फेंकोगे तो वो क्या जाएगा, प्रेशर से नहीं जाएगा, लेकिन आप पाइप से ऐसे आगे से दबा के प्रेशर लगाओगे तो वो पानी दूर तक जाएगा, है ना, जाएगा ना दूर तक, जहाँ तक आप पहुँचाना चाहोगे, और वो प्रेशर से जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसे जीव, कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर से बह रहा होता है, तो उनके अंदर क्या होगी, वो नलियां होंगी, वो नसें होंगी ब्लड को प्रेशर से बहने के लिए। और कुछ जीव ऐसे जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं बहता, यानी खुले में बहता है, आप टंकी को ऐसे ही चला के छोड़ दीजिए पानी की, प्रेशर से नहीं बहेगा, खुले में बहेगा। आप पाइप से बहाएंगे, पाइप से धोएंगे तो वो प्रेशर से जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रेशर लगाने के लिए एक नली चाहिए, बिना नली के प्रेशर नहीं लग सकता, अर्थात जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से जा रहा है उनके अंदर ब्लड को ले जाने वाली क्या होती है, नसें होती है, ठीक है। और जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता उनके अंदर नसें यानी नर्व्स नहीं होती, ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही घूमता है, तो उसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी जिनके शरीर में नसें नहीं होती, नलियाँ नहीं होती प्रेशर, ब्लड को प्रेशर से पहुंचाने वाली, ब्लड ऐसे ही घूमता है, खुला ही घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से जीव है, घोंघा है, तिलचट्टा है, सीप है, शंक है, इनका, इनके अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है, कहाँ होता है, शरीर के बाहर। दूसरा आ जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे, ठीक है। यह ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एकदम उल्टा होता है, यानी इसमें ब्लड कैसे बहता है, प्रेशर से बहता है, प्रवाह से बहता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, खुला बह रहा था,
इसमें प्रेशर के साथ बहता है और एक नली में बहता है। मैंने क्या बताया, प्रेशर से बहने के लिए तो नली की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यह मानव में होता है, इसके अंदर ब्लड को ले जाने वाली नसें होती है। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड को ले जाने वाली नसें होती है, तभी तो ब्लड प्रेशर से बहेगा जब नसें होंगी, नलियां होंगी, ठीक है। तो ये किस में होता है, मानव में होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मिक्स्ड यानी मिश्रित, जैसे मछली है। मछली के आधे शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर से बहता है और पूंछ वाले भाग में, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें ब्लड प्रेशर से नहीं बहता, यानी उसके अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मिक्स्ड हो गया, ओपन भी और क्लोज भी। तो दोनों, अगर दोनों जो रक्त परिसंचरण तंत्र है किसी जीव के अंदर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लड खुला भी बहता है और नसों के माध्यम से भी बहता है, वो कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मिक्स्ड होता है, वो होता है मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। इनके शरीर के हिस्से में ब्लड नसों के माध्यम से जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, और कुछ हिस्सों में ब्लड ऐसे ही खुला रहता है। जैसे मछली के पूंछ वाले हिस्से में ब्लड नली के माध्यम से बहता है, ऐसे जीव जिनके शरीर में कुछ हिस्सों में नसें रहती है, कुछ में नहीं रहती, उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्या हो जाता है कि ये कितने प्रकार का होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आती है बात कि मानव में कौन सा होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके लिए ज़रूरी है ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त नलिकाओं का होना। रक्त नलिकाएँ होंगी तभी तो ब्लड प्रेशर से बहेगा, नहीं तो कैसे बहेगा, नहीं फिर तो वो खुले में बहेगा, खुले में बहेगा तो क्या हो जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, ठीक है। जिससे रक्त प्रवाहित होगा, यह रक्त नलिका पाइप के समान होती है जो अंदर से खोखली होती है। रक्त नलिकाओं के अंदर की खाली जगह को क्या कहते हैं, न्यूमेन कहते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, रक्त नलिकाओं के अंदर जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूमेन। क्या कहते हैं, न्यूमेन कहते हैं। ये रक्त नलिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी यानी आर्टरी और एक होती है सिरा यानी वेंस। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है, फिर रक्त को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे धमनी और सिरा क्या होती है। देखिए, इस तरह की संरचना होती है रक्त परिसंचरण तंत्र की। कैसी होती है, इस तरह की पिक्चर होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब इसके बाद पढ़ना है हमें ब्लड यानी रक्त को। सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, रक्त को पढ़ना है, ब्लड को पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ये बेसिक सी जानकारी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। दूसरा पॉइंट है कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब आप लोग पूछेंगे कि प्राकृतिक कोलाइड क्या है, नेचुरल कोलाइड क्या है, क्या होता है नेचुरल कोलाइड। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ, जैसे आप लोग चाय बनाते हैं या शरबत बनाते हैं या आइसक्रीम है, ठीक है, उसे आइसक्रीम को आप क्या करें, कपड़े से छान लीजिए, तो छानने के बाद जो लिक्विड पदार्थ होगा वो नीचे चला जाएगा, दूध जो होगा, ठीक है, और उसमें कुछ कण बच जाएंगे ऊपर,
कपड़े में या छलनी में क्या होगा, कुछ कण बच जाएंगे। जैसे आप शरबत बनाते हो, चीनी नींबू सारी चीज़ें डालते हो, तो छलनी में छानने के बाद जो कण बच जाएंगे, नीचे लिक्विड चला जाएगा, ऊपर ठोस पदार्थ यानी कण बच जाएंगे। तो उसी ठोस पदार्थ को, यानी चाहे चीनी का हो, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे क्या आइसक्रीम हो, उन सब का जो ठोस वाला भाग होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, वो कहलाता है कोलाइड। क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। ये मत समझिए कि वो जो ब्लड है वो सिर्फ क्या होता है, लिक्विड ही होता है, ठोस भी होता है। मैं अभी आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी कि ठोस कितना परसेंट होता है और लिक्विड कितना परसेंट होता है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, लिखा नहीं जा रहा सही से, इधर लिख देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, क्या करता है? जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 7.4 होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। अगर किसी चीज का पीएच मान, ये क्या है? अगर किसी चीज का पीएच मान 7 से ऊपर हो जाए तो वो क्या माना जाएगा? क्षारीय माना जाएगा। अगर 7 से नीचे आता है तो वो एसिड हो जाता है, और 7 पर रुक जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज का पीएच मान आप निकालते हो तो वो अगर 7 पर रुक जाए तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे आ जाए तो वो एसिटिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाए तो वो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये कितना है? 7.4 है, तो ये कैसा हो गया? क्षारीय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेल में रक्त 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में रक्त कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। क्यों होता है फीमेल में? क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जो ब्लड है, जो रक्त है, उसकी मात्रा कम होती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे, आगे चलेंगे फिर। इसके बाद है हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है। अब आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसी में है। आरबीसी क्या होती है? हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी बनाता है। आरबीसी किस क्या है? ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आरबीसी क्या होता है? ब्लड का यानी रक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इस तरह की संरचना होती है जालीनुमा, इस तरह की हमारी अस्थियों के बीच में इस तरह की जालीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? बोन मैरो। तो एक वयस्क व्यक्ति में तो जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एक भ्रूण, भ्रूण क्या होता है? एम्ब्रोय, एम्ब्रोय यानी भ्रूण, भ्रूण उसे बोलते हैं जो बच्चा माँ के पेट में है। जब तक वो माँ के पेट में है, इस दुनिया में नहीं आया, तब तक उसे भ्रूण कहा जाता है। जब वो इस दुनिया में आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो उसे बच्चा कहा जाता है। तो
अगर पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगर पूछा जाए एक भ्रूण में, एक एम्ब्रोय में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, याद रखेंगे। और लीवर के भी कौन से भाग में, मीसोट्रम में, लीवर के मीसोट्रम में होता है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि एक एम्ब्रोय, एक भ्रूण में ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो लीवर के मीसोट्रम में होता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ पर स्टोर रहता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये जो ब्लड घूम रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये कहीं तो स्टोर रहता होगा ना, कहीं तो इकट्ठा होता होगा जाके, कि घूमता है, कहीं से उठेगा, फिर घूमेगा, फिर जाके वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर रहता है, तो ये रहता है स्प्लीन यानी प्लीहा में। कहाँ पर रहता है, स्प्लीन यानी प्लीहा, और प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड प्लीहा, स्प्लीन या इसे तिल्ली, तीन नाम है इसके। तिल्ली कहाँ पर है, पेट के बाई ओर उदर गुहा में स्टोर रहता है। पेट के बाई ओर, किधर, बाई ओर, इधर बायां, दायां, बायां, इधर क्या होगा, बाई ओर उदर गुहा में स्थित रहता है। और उसे क्या बोलते हैं जहाँ पर वो इकट्ठा रहता है, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या स्प्लीन। तब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कहाँ से देंगे। तो अगर पूछा जाए ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट कि आरबीसी भी मरने के बाद ब्लड बैंक में जाकर इकट्ठी हो जाती है। अब हम आरबीसी को आगे तब पता चलेगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो मात्र 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वो मर जाती है, और मरने के बाद कहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, प्लीहा यानी स्प्लीन में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसे, आरबीसी मरने के बाद ब्लड बैंक में जाकर इकट्ठी हो जाती है यानी स्प्लीन में जाकर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसके बाद आ जाते हैं रक्त के कार्य। क्या आ जाते हैं, रक्त के कार्य आ जाते हैं, यानी इसके फंक्शंस क्या है, ब्लड के क्या करता है। सबसे पहला पॉइंट है, रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तापमान को नियंत्रण करना है। क्या है, तापमान को नियंत्रण करना यानी टेम्परेचर कंट्रोल करना है। जब तक व्यक्ति जीवित है रक्त परिसंचरण होता रहेगा यानी रक्त घूमता रहेगा। जब तक हम जीवित है तब तक रक्त घूमता रहेगा। और जब कोई भी चीज़ गतिशील रहती है तो उसमें क्या बनती है, गर्मी बनती है, उष्मा बनती है, बनती है ना। इसलिए पूरे शरीर में जब तक रक्त दौड़ेगा तब तक हमारे शरीर में तापमान कितना बना रहेगा, 37 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि रक्त के घूमने की स्पीड भी फिक्स है। वो कितने प्रेशर से, 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस आता है। कितने, 120 के प्रेशर से जाएगा और 80 के प्रेशर से वापस आएगा। इसलिए जब आपका बीपी जो चेक करते हैं वो 80 और 120 पर होता है तो सही माना जाता है, अगर इससे कम होता है तो लो, अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाई माना जाता है, ठीक है। जब तक रक्त चलेगा तब तक शरीर गर्म रहेगा, और जब रक्त चलना बंद हो जाएगा तब शरीर ठंडा पड़ जाएगा, अर्थात क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट है कि मलेरिया नामक बीमारी जो होती है उसमें स्प्लीन खराब होने लगता है, और स्प्लीन खराब होने लगेगा तो ब्लड भी खराब होगा। ब्लड स्प्लीन में ही तो होता है, प्लीहा में तो इकट्ठा होगा। जब एक चीज़ को आप मान लीजिए, आप एक डब्बे में कुछ सामान रखते हो, जब वो डब्बा ही सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, तो जो उसके अंदर चीज़ है वो भी तो खराब होनी शुरू हो जाएगी ना। तो जब स्प्लीन ही सड़ जाता है, बीमारी में खराब होना शुरू हो जाता है मलेरिया नामक बीमारी में, तो ब्लड भी क्या हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मलेरिया में पूरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है, गिरने लगता है। दूसरा जो कार्य है
ब्लड का वो है पोषक पदार्थों का परिवहन। क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी पोषक पदार्थों को शरीर में इधर से उधर घुमाने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? ब्लड के माध्यम से होती है। तीसरा जो कार्य है वो है गैसों का परिवहन, यानी O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ये किसका कार्य है? गैसों का परिवहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है। चौथा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी जो बेकार पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना, उनका परिवहन करना भी किसका कार्य है? रक्त का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन ऊतकों तक ले जाता है। कहाँ तक? टिश्यूज जितने भी होते हैं उन तक ले जाने का कार्य करता है किसके रूप में? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त हार्मोन एवं विटामिन्स का एक अंग से दूसरे अंग तक संवहन करता है। जो ब्लड है वो क्या करता है? हार्मोन्स और जो विटामिन्स होते हैं उनका एक अंग से दूसरे अंग तक संवहन करेगा और उसके टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य जो अंग होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करेगा कि इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना है। इसका कार्य है, ये ब्लड का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त शरीर में परिसंचरण करते हुए एक अंग का दूसरे अंग से संबंध बनाए रखता है, यानी जोड़े रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को लीवर और स्प्लीन में पहुंचाता है, जहां पर वे जाकर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। रक्त क्या करता है? जितनी भी मृत कोशिकाएं होती है, टूटी फूटी कोशिकाएं होती है, मैंने बताया ना कोशिका का चैप्टर, आप लोग पीछे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। कोशिकाएं, नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है। जो मर जाती है कोशिकाएं, रक्त उन टूटी फूटी कोशिकाओं को लीवर और स्प्लीन में पहुंचाता है, जहाँ पर जाकर वे नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त शरीर के अंगों की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। शरीर के अंगों की जितनी भी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनकी मरम्मत करता है तथा कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर उनका नव निर्माण भी करता है, यानी जब कोशिकाएं मर जाती है तो उनका नव निर्माण भी करता है, नई कोशिकाओं का जन्म करता है। लास्ट है कि रक्त शरीर की रोगजनक जीवाणुओं तथा हानिकारक विषों से जीवाणु भक्षण क्रिया द्वारा तथा एंटीबॉडी एवं एंटीटॉक्सिन उत्पन्न करके क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे रक्त के कार्य। इसके आगे का जो है रक्त के संगठन, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, ये कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर क्लास में कुछ भी कमी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बताऊँगी अगर जो भी आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।